सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। रेलवे के लिए अभी एक नोटिफिकेशन आया है। रेलवे के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी जो एग्ज़ाम रनिंग में थी उनके लिए एक विवाद हो गया था। एनटीपीसी का विवाद ये था कि एनटीपीसी में जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में गड़बड़ी थी और उस गड़बड़ी की वजह से बिहार के अंदर और भी अदर स्टेट हैं उनके अंदर बहुत सारा हंगामा हुआ था, विरोध हुआ था। उसके बाद में रेलवे ने उस विरोध के 2-5 दिन बाद में ग्रुप डी में भी एक अलग ही रूल लागू कर दिया था कि ग्रुप डी में 2 परीक्षाएँ होंगी, पहले फर्स्ट होगा प्री, फिर उसके बाद में मैन, गुस्से के अंदर। जबकि इसका अपने देश में खूब विरोध हुआ, बच्चों ने भी काफ़ी विरोध किया। इसके लिए 4 मार्च को एक जो अपने देश में स्टूडेंट्स के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा, शिक्षाविद जो भी अपने टीचर्स हैं उनके द्वारा सुझाव आमंत्रित किए गए थे, उन सुझावों की रिपोर्ट 4 मार्च को दे दी गई है भारतीय रेल मंत्रालय को। भारतीय रेल मंत्रालय को वो जो सुझाव मिले हैं उन सभी सुझावों ने स्वीकार कर लिया है। वो सुझाव क्या थे? नंबर 1 सुझाव कि एनटीपीसी का रिजल्ट दोबारा से रिवाइज किया जाए। एनटीपीसी का रिजल्ट फर्स्ट बार जब रिवाइज हुआ तब उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया था, यानी कि 35,000 कोई वैकेंसी थी एनटीपीसी की, उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया था उन्होंने। तो अब जो सुझाव थे स्टूडेंट्स के, जो शिक्षाविद टीचर्स थे उनके, कि 20 गुना अभ्यर्थियों को इस एनटीपीसी में पास करके शामिल किया जाए, यानी कि 20 गुना की हम बात करें तो लगभग 7 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स जो सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी के अंदर क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ एक प्रश्न ये आता है दिमाग के अंदर कि सर, जो पहले पास हुए हैं क्या वो फेल होंगे? नहीं, पहले जो पास हुए हैं ठीक है, उनको कुछ गड़बड़ी नहीं की जाएगी। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट बोला है, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, वो आपको गुरु गिरधर सर टेलीग्राम पर अवेलेबल भी हो जाएगा। उसके अलावा जो नए उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे यानी कि पास किए जाएंगे, उनको समय मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। जो ये रिवाइज रिजल्ट आएगा 20 गुना अभ्यर्थियों को जो पास करने वाला, वो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो इस रेलवे एनटीपीसी का CB2 सेकंड होगा, वो मई के अंदर एग्जाम करवाने की कंप्लीट तैयारी रेलवे बोर्ड कर चुका है, यानी कि मई के अंदर वो एग्जाम करवाई जाएगी। एनटीपीसी में लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स उस एग्जाम के लिए प्री पास होने के बाद में CBT 2 के अंदर बैठेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ी सी एक बातचीत करें, जैसे अभी जो ये नोट मिला है इसमें आपको थोड़ा सा मैं डिटेल वाइज बता देता हूँ। देखो, रेलवे रिक्रूटमेंट जो अधिकारी हैं उनको 4 मार्च को जो सुझावों की वो रिपोर्ट मिली उसमें सभी सुझाव मान लिए गए। पहला एनटीपीसी का जो सुझाव था कि रिवाइज रिजल्ट हो और 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए, और नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर था कि नॉर्मलाइजेशन भी एक तरीके से किया जाए। तो उसमें विद्यार्थियों ने और शिक्षाविद टीचरों ने ये सुझाव दिया था कि नॉर्मलाइजेशन, जैसे एक ही दिन 3 पारियों के अंदर परीक्षा हुई है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन करो, ऐसे नहीं कि एक एक सिंगल सिंगल दिन, जैसे मान लो कि आज सिंगल पारी में एग्जाम है, कल सिंगल पारी में एग्जाम है, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करो और वहाँ पर उतार चढ़ाव भी ज़्यादा नहीं हो। एक ही दिन में 3 या 4 पारियों के अंदर जिस दिन विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं एग्जाम में, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर अंकों का उतार चढ़ाव घटत बढ़त करें तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि जो समिति थी उस समिति ने 4 मार्च को 2,95,000 सुझाव रेलवे जो मंत्रालय है उसको दिए, यानी कि भारत में 2,95,000 सुझाव आए इस विरोध के बाद में, जिसमें से 64,000 तो सुझाव ईमेल से मिले हैं कि इसमें एग्जाम में ऐसा हो ऐसा नहीं हो। इसके अलावा 13,800 सुझाव रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो कार्यालय हैं उनमें ऑफलाइन रूप में वहां पर दिए गए हैं।
218,000 सुझाव वेबसाइट पर, 218,000 सुझाव तो वेबसाइट पर, 64,000 सुझाव ईमेल पर आए हैं, 13,800 सुझाव ऑफलाइन उनके कार्यालय में पूछे हैं। इनके आधार पर सभी मांगों को, छात्रों के लिए खुशी की बात है, रेलवे ने सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। तो एनटीपीसी वालों की बात तो ये हो गई। अब इसके बाद में एनटीपीसी की मोटी मोटी बात करें तो एनटीपीसी के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको फिक्स डाटा ही बता देता हूँ, इसमें 35,281 पदों पर एनटीपीसी के एग्जाम थी और 20 गुना रिजल्ट जारी करना होगा। पहले 15 गुना रिजल्ट जारी हुआ था 15 जनवरी को, और उस 15 जनवरी को जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें 368,000 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे 15 जनवरी को, एनटीपीसी का रिजल्ट आया था तब, ये 15 गुना थे। अब इसके अंदर 7 गुना करेंगे तो 2,50,000 उम्मीदवार और बढ़ जाएंगे, यानी कि 7,00,000 स्टूडेंट्स प्री पास होंगे। जो पहले से पास रहे, अच्छी तैयारी करते रहे, उन्होंने स्पष्ट बोला है, और जो नए रिवाइज में पास होंगे उनको लिए टाइम मिल जाएगा, मई में परीक्षा होगी और रिवाइज रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा। जुलाई के अंदर इसकी पोस्टिंग, प्रोसेसिंग, मेडिकल वगैरह सारी सिस्टम। रेलवे जो ग्रुप डी की बात थी, उस ग्रुप डी के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी सुन लो। रेलवे ग्रुप डी में उन्होंने बताया कि हम दो परीक्षा लेंगे, एक तो प्री लेंगे, एक मेन लेंगे। लेकिन जो ये 4 मार्च को सुझाव मिले हैं और उन सुझावों को सबको मान लिया, मानना पड़ेगा छात्र शक्ति, और देखो जनता से बढ़ के, स्टूडेंट से बढ़ के, आम नागरिकों से बढ़ के, टीचरों से बढ़ के गवर्नमेंट कहाँ जाएगी। तो उन्होंने रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए खुशखबरी है, एक ही परीक्षा होगी, अब दो परीक्षा नहीं होंगी। उस परीक्षा की तिथि 2-5 दिन के अंदर घोषित कर दी जाएगी। वो परीक्षा माना जा रहा है कि CBT 2 परीक्षा मई में संपन्न होने के तत्पश्चात, यानी कि ये जो CBT 2 है ये 10-15 दिन में समाप्त हो जाएगी, इसके बाद में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का आयोजन होगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करते रहें, बढ़िया तैयारी करें, आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में 1,03,000 पदों का शानदार मौका है। एनटीपीसी में अब 20 गुना का रिजल्ट रिवाइज आएगा तो उसमें कम से कम 7,00,000 विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा मौका है। आप रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस को, करंट को, इन चीज़ों को अच्छे से ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि आपकी रीजनिंग, जिनके सबका लगभग इक्वल रहता है, साइंस और करंट ये बच्चों को मेरिट में ऊपर नीचे जंप करवा देते हैं। तो आप और भी जो भी आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अच्छी बेहतरीन तैयारी करें। समय को गवाए नहीं, समय कम है। ऑनलाइन स्टडी के लिए अपना प्ले स्टोर पर ऐप है गिरधर परीक्षा वाणी के नाम से। इस गिरधर परीक्षा वाणी ऐप पर रेलवे ग्रुप डी और NTPC का स्पेशल कंप्लीट टॉपिक वाइज अच्छी बेहतरीन साइंस की टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। वो कोर्स आप परचेज करें स्वेच्छा से। वहाँ आपको हर टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन का टेस्ट आप देने के बाद में सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन में आपको बहुत सारे हर प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। लगभग आपके पास में 2-5 हज़ार जो क्वेश्चन है, लगभग 2,500-3,000 क्वेश्चन मान के चलो, उन क्वेश्चनों की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही रेलवे के अंदर NTPC और ग्रुप डी की परीक्षाओं में फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकलों की भी वहाँ विस्तृत अच्छी व्याख्या दी गई है, तो उस व्याख्या को भी आप अच्छी तरीके से हल करें, अच्छी तरीके से समझें। जितने भी रेलवे के पिछले परीक्षाओं में पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका भी अलग से मॉडल पेपर है। इन सभी टेस्ट सीरीज के साथ साथ वहाँ गोल्डन टेस्ट सीरीज भी दी गई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं में हूबहू उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है, वो भी आपको उस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। वहाँ आपको PDF भी अवेलेबल होगी। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, यानी कि 1 साल तक आपके ऐप में वो कोर्स अवेलेबल होगा। कोई भी आपको कोर्स परचेज करते समय या कोई बात पूछनी हो, कोई समस्या हो, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अपना टेलीग्राम है गुरु गिरधर सर, वहाँ से ज्वाइन करें, या तो आपको वहाँ से नंबर मिल जाएंगे या मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें 8741051442, वहाँ अपनी समस्या का समाधान आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल करें तो 9664324023 पर तुरंत कॉल करके आप कोर्स परचेज करने संबंधी समस्या या और बात जरूर पूछें।
इस ऐप पर हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ, साइंस की टेस्ट थ्री, साइंस की कोर्सेज सब मैं खुद बनाता हूँ। एक राइटर हूँ और पिछले 10 सालों से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं, जीके हैं, करंट है, वो सब्जेक्ट अलग अलग जो मेरे साथ में शिक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा तैयार होते हैं। करंट जीके की टेस्ट सीरीज भी अपने कोर्स में अवेलेबल हैं। उसके अलावा भारत का भूगोल, मैथ, रीजनिंग सभी धीरे धीरे 2-5 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप अभी जाकर गिरधर परीक्षा वाणी ऐप पर टेस्ट सीरीज खरीदें, अच्छे से तैयारी करें, सभी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।